हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज लोधी और आज है 17 मार्च। हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो लक्ष्य स्कीम के बारे में है, जहां पे लक्ष्य का फुल फॉर्म है लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा इसको स्टोरी फॉर्म में सुना रहा हूँ लेकिन ये आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए क्या हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने नेशनल हेल्थ मिशन चलाया। क्या हुआ कि हमारी कंट्री में 2001 से 3 के बीच में हमारा कंट्री में जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट था, मतलब जो लेडी हैं वो डिलीवरी के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती थी, ये 301 के लगभग में था। लेकिन गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन चलाया और भी कई सारे हेल्थ मिशन चलाए गए, तो इससे जो MMR था, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट था, वो रिड्यूस होकर 167 पे आ गया। अब क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत अच्छे हम स्कोर पर नहीं पहुंच पाए। कहीं ना कहीं और भी समस्याएं रह गई कि आप पेशेंट को या जो लेबर पेन है जिस लेडी को आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, पता चला वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है, या पता चला कि जो हॉस्पिटल है वहाँ पे सीजेरियन नहीं किया जा सकता और उसको रेफ़र कर दिया गया। तो ऐसे में पता चला कि पेशेंट को लेके जा रहे हैं, रास्ते में उसकी डेथ हो गई, तो इसमें भी काफ़ी सारी समस्याएं थी। तो गवर्नमेंट फिर एक नई स्कीम लेके आई है जिसका नाम है लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। ये एक तेलुगु वर्ड है जिसका मतलब होता है टारगेट, ठीक है। चलिए अब ये जो स्कीम आई है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये किस मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत आती है। दूसरी बात, इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो लेबर रूम होते हैं आपके या जो OT होती हैं उनमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर देंगे, या जो मदर और चाइल्ड के लिए जो भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो पूरी पूरी कंट्री में इसमें चला जाने वाले हैं, ठीक है। लेबर रूम और OT को और ज़्यादा मॉडर्नाइज कर देंगे, उनमें और ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर देंगे। अब ये आप करने वाले हैं, लेकिन ये कहाँ पे किया जाएगा, तो जो मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्पिटल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर ये मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। अब ये जो स्कीम है लक्ष्य, तो इसमें क्या किया जाने वाला है, तो इसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन कर देंगे, है ना। उनमें पूरे के पूरे जो हॉस्पिटल हैं, ऑपरेशन थिएटर हैं, उनको फुली इक्विप्ड कर देंगे। कई सारे हॉस्पिटल में आप लोगों ने, या कभी कभी ऐसी उठपटांग खबरें सुनने में आ जाती हैं कि टॉर्च में ऑपरेशन कर डाला डॉक्टर ने, मुंह में टॉर्च पकड़े हुए हैं, इस टाइप की भी न्यूज़ देखी होंगी आपने, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा और जो असेंशियल इक्विपमेंट हैं सर्जिकल के लिए, जो भी ज़रूरतें पड़ेंगी, है ना, तो उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाएगी। तीसरी बात यह है कि कभी कभी डॉक्टर नहीं होते, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि वहाँ पे एडुकेट ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, वहाँ पे डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे, और जो वहाँ पे हेल्थ वर्कर होंगी उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, उनको इस बारे में और ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे ताकि वो और अच्छे से इन सारी चीज़ों को डील कर सकें। इसमें इस प्रोग्राम के तहत कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं कि जो भी पेशेंट है उसकी आप प्राइवेसी को इंश्योर करें। कई सारे हॉस्पिटल में, चलिए इस टॉपिक में नहीं घुसते हैं कि प्राइवेसी इंश्योर करने, समझ गए होंगे आप, है ना। तो जो लेबर रूम में डिलीवरी हो रही है उसमें प्राइवेसी को मेंटेन किया जाना जरूरी है। दूसरी बात, इस गाइडलाइन में लक्ष्य की में गाइडलाइन एक ये भी दी गई है कि हॉस्पिटल में डिलीवरी होने के बाद जो नर्सिंग स्टाफ रहता है, वो लड़का हो या लड़की पैदा होने पर वो पैसे की डिमांड करने लगता है, बधाई हो, है ना, तो इस पर भी रोक लगाने की बात की गई है। और तीसरी बात इसकी गाइडलाइन में ये की गई है कि कोई भी उनका अब्यूज़ नहीं होना चाहिए पेशेंट का, है ना। कभी कभी कुछ दलित लोग आ जाते हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो उसको प्रॉपरली डील नहीं करते हैं जो नर्सिंग स्टाफ है, तो ये सारी चीज़ों पे रोक लगना चाहिए, है ना। हम बात सारी लक्ष्य स्कीम की कर रहे हैं, हमने बताया कि इसमें क्या किया जाने वाला है, कहाँ पर किया जाने वाला है, कैसे किया जाने वाला है, क्या गाइडलाइंस है। अब ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इसके लिए क्या है, जो हॉस्पिटल हैं उनको सर्टिफिकेशन दिए जाएंगे इसके तहत। लक्ष्य स्कीम में 3 टाइप की बात की गई है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। मतलब जो भी हॉस्पिटल होंगे वो इन टारगेट को अचीव कर लेंगे, मॉडर्नाइज हो जाएंगे, उनमें अच्छा एफिशिएंट हो जाएंगे, तो उनको 3 रैंक हो गई हैं उनकी, एक सिल्वर हो जाएगा, एक गोल्ड हो जाएगा, एक प्लेटिनम हो जाएगा, है ना। 70% यदि आप टारगेट को अचीव कर लेंगे, जो टारगेट डिसाइड किए जाएंगे, तो आपको सिल्वर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और फिर 80 पे गोल्ड, 90 पे प्लेटिनम। अब ये सारी स्कीम चल रही है, तो इसमें क्या है कि कोई फोकट में तो काम करने वाला है नहीं, तो इसके लिए क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, है ना, जो वेरियस हॉस्पिटल हैं उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी दिए जाने वाले हैं। यदि आप गोल्ड या प्लेटिनम टारगेट को अचीव कर लेते हैं, 80% तक आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनको
जो वहाँ का मैनेजमेंट है वहाँ को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्पिटल हैं वो वहाँ पे 6 लाख रुपए दिए जाने वाले हैं। अब ये जो अब इनिशिएटिव लेके आई है, स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, कोई भी जब लेबर रूम के बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जो पहला दिन रहता है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहता है। इसमें मदर को इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, न्यू बॉर्न जो बेबी रहते हैं उनकी डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट यदि ये सारे इनिशिएटिव लेके आ रही है तो जाहिर सी बात है और हम इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा लक्ष्य इनिशिएटिव के बारे में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के बारे में है। तो ये एक ब्लू चिप कंपनी है, ठीक है, लिमिटेड ब्लू चिप लिमिटेड कंपनी है। अब ये ब्लू चिप लिमिटेड कंपनी क्या होती हैं? ऐसी कंपनियां होती हैं जो एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन जो चलती रहती हैं उसमें भी अच्छा प्रॉफिट कमा के देती हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये कंपनियाँ स्टेबल होती हैं और रिलायबल मानी जाती हैं। समझ में आ रहा है? फिर से बोलता हूँ, जो ब्लू चिप कंपनियाँ रहती हैं वो बुरे हालात में भी अच्छा प्रॉफिट कमा के देती हैं, और इन कंपनीज़ को स्टेबल माना जाता है, इनकी जो ग्रोथ रहती है वो रिलायबल रहती है। तो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एक ब्लू चिप कंपनी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नवरत्न एंटरप्राइज है। नवरत्न का डेजिग्नेशन मिलने के लिए भी कुछ टर्म्स और कंडीशन रहते हैं, फिलहाल हम उस टॉपिक में भी नहीं घुसेंगे, है ना। तो जो NBCC है ये एक ब्लू चिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के तहत आती है। अब इसका काम क्या है? देखिए, क्या है, एक सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो जो आपकी NBCC है ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है। पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके डिपार्टमेंट हैं, उसके PSU हैं या गवर्नमेंट की जो ऑटोनोमस बॉडी हैं वो इसको काम पकड़ा देते हैं कि आप ये वाला कंस्ट्रक्शन का काम कर दीजिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑथोराइज्ड एजेंसी है, है ना, जो इस टाइप के काम करती है। इसने कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किया है, उनके एग्जीक्यूट किया है, जैसे कि आपका जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट का काम था, तो वो सब NBCC ने ही किया है। इसके अलावा ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट और जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर जो भी बिजनेस के मॉडल रहते हैं वहाँ पर, या गवर्नमेंट कुछ भी जो प्रोजेक्ट चला रही है तो ये उनको मॉनिटर करती है और उस बारे में कंसल्टेंसी सलाह देती है। समझ में आ रहा है? अभी मुद्दा क्या है? अभी मुद्दा ये है कि जो हमारा PMLA आया था, PMLA बोले तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था, तो उसमें एक बात की गई थी कि मतलब कोई भी जो मनी लॉन्डर होगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको सीज कर लेंगे। तो ED का कहना है कि हम इस प्रॉपर्टी को डील नहीं कर पा रहे हैं, हम इसका रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी समस्याएं जा रही हैं। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो ये सोच रही है कि जो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली जाती है, सीज कर ली जाती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जिसके साथ केस होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट हड़प कर लेती है, रख लेती है, तो उसकी देख रेख करने के लिए गवर्नमेंट इस बॉडी को अलाउ करने वाली है। अब ये बॉडी उन बिल्डिंग्स की देख रेख करेगी NBCC की, है ना। तो हमने ये पूरी पूरी बात कर ली NBCC के बारे में। फिर से एक बार मैं बात कर रहा हूँ, जो NBCC होती है ये एक ब्लू चिप कंपनी है, गवर्नमेंट की नवरत्न एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के तहत आती है, है ना, और ये गवर्नमेंट की एकमात्र ऑथोराइज्ड एजेंसी है जो पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करती है। मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, PSU हैं या ऑटोनोमस जो बॉडी हैं वो इसको काम पकड़ा देते हैं कंस्ट्रक्शन के। और फिर मैंने ये बताया कि इसने कई सारे फील्ड में काम किया है कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रूरल मिशन और नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना। फिलहाल मुद्दा ये था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली जाती थी अब उसकी देखरेख यही बॉडी करेगी। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में है। देखिए क्या हुआ कि तमिलनाडु में एक अनाथ आश्रम था तो वहाँ पे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी NCPCR को कि आप जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है इनका सोशल ऑडिट करें कि वहाँ पे क्या बच्चों की स्थिति चल रही है। जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, एक एक्ट आया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में, तो जिसमें बच्चों के केयर और प्रोटेक्शन की बात की गई थी, तो उसके तहत ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, है ना। अब ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसे घर, ओपन शेल्टर, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, ऐसी जगह जहाँ पे सेफ्टी हो,
ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को, ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों की अडॉप्शन एजेंसी होती है जिनको इसकी ज़रूरत होती है और गवर्नमेंट ने जिन्हें रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। समझ में आ रही बात? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ऐसे घर होते हैं, ऐसे आश्रम होते हैं, ऐसी जगह होती है सेफ्टी की, जहाँ पर ज़रूरतमंद बच्चों को रखा जाता है और इन्हें जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। और ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन किस एक्ट के थ्रू बनाए जाते हैं? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू, है ना। तो इनमें बच्चों के लिए सारी सुविधाएं दी जाती हैं कि उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं हो, ऑब्जर्वेशन का हो, उनकी सेफ्टी इंश्योर की जानी चाहिए, ये सारी बातें हैं। अभी तमिलनाडु के एक जो ऑर्फान है, अनाथ आश्रम था वहाँ का, तो वहाँ पर वायोलेशन हो रहा था, है ना, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था चिल्ड्रन का। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि जो NCPCR है वो इसका सोशल ऑडिट करे कि वहाँ पे क्या बच्चों की स्थिति चल रही है। थोड़ी सी बात हम इस बॉडी के बारे में कर लेते हैं, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ध्यान रखिएगा ये एक सिचुएटरी बॉडी है, गवर्नमेंट का एक एक्ट आया था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट December 2005 में, तो इसके तहत ये बॉडी बनाई गई थी। और ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ WCD वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके संरक्षण में, उसकी देखरेख में ये जो कमीशन है ये काम करता है। और इस कमीशन का काम क्या होता है? बच्चों से जुड़े हुए जो भी लॉ हैं, जो पॉलिसी हैं, जो प्रोग्राम हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो ये उन सबको ये जो कमीशन है ये उन सबको इम्प्लीमेंट करवाता है, है ना। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बच्चों के लिए जो बातें की गई हैं वो सब इसकी देखरेख में होते हैं, ये उनके प्रोटेक्शन की बात करता है, है ना, चाइल्ड राइट्स की। और UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, बच्चों के जो राइट्स हैं उसमें जो UN का कन्वेंशन हुआ था और उसमें जो जो बातें की गई हैं उन सब के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ये कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद बच्चे की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी ऐसा चाइल्ड जिसकी एज 18 साल तक कम होती है वो सब चाइल्ड कहलाता है, है ना। तो ये थी पूरी की पूरी न्यूज़ NCPCR के बारे में, बस इसी को ध्यान रखिएगा। बाकी कहाँ पे कौन मतलब क्या जांच बिठाई जा रही है, है ना, क्या अनाथ आश्रम में क्या हो रहा है, ये तो कोई मुद्दे की बात नहीं है, बस इसको ध्यान रखिएगा कि ये एक सिचुएटरी बॉडी है, 2005 में बनाई गई थी और चाइल्ड राइट कमीशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ WCD के तहत आता है और बच्चों से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उनके प्रोटेक्शन के, उनके लिए जो पॉलिसी हैं, जो लॉ हैं, जो प्रोग्राम हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म चल रही हैं उन सबको ये इम्प्लीमेंट करवाता है। और गवर्नमेंट ने जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के लिए UN कन्वेंशन साइन की हुई है तो उसमें जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उनको भी ये इम्प्लीमेंट करवाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में है। तो देखिए इस बार की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2018 की, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ये पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN, फिर से बोलता हूँ, ये जो रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा पब्लिश की जाती है। अब ये जो रिपोर्ट है वो किन किन मुद्दों पर पब्लिश की जाती है? तो किसी कंट्री की क्या GDP है, क्या पर कैपिटल इनकम है, उन लोगों को कितना सोशल सपोर्ट है, उनकी है कितनी हेल्दी लाइफ है, क्या उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है, करप्शन का क्या लेवल है लोगों में, वहाँ पे फ्रीडम कितनी है, कितनी जेनरसिटी है, क्या उदारता है, तो ये सारे मुद्दों को लेके ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इस रिपोर्ट में हेल्थ की जो प्रॉब्लम है जैसे कि आपकी ओबेसिटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, इन बातों को भी कंसिडर किया गया है। थोड़ी सी बात हम इंडिया की कर लेते हैं, तो ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें 156 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें इंडिया की रैंक 133 है, 133वीं रैंक है और जो भी सार्क नेशन है उनमें सबसे बेकार हमारी ही रैंक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो कंट्री ने टॉप किया है उनमें आपके फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, ये सारी चीज़ें आ गई। ध्यान रखिएगा फिनलैंड इसमें टॉप पे है, नॉर्वे दूसरे नंबर पे और डेनमार्क। इस रिपोर्ट में इस बार की जो रिपोर्ट आई है उसमें माइग्रेशन पे स्पेशल फोकस किया गया है, माइग्रेशन विद इन और बिटवीन कंट्री, है ना, किसी कंट्री के अंदर ही अंदर जो माइग्रेशन होता है और जो दो कंट्री के बीच में माइग्रेशन होता है उसमें उस पर भी इस रिपोर्ट में फोकस किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें माइग्रेशन का क्या मुद्दा बन रहा है हैप्पीनेस के साथ? देखिए सिंपल सी कहानी है कि कोई आदमी खुश नहीं है इसीलिए तो वो माइग्रेट कर रहा है ना, तो इसमें माइग्रेशन पर भी फोकस किया गया है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में है। देखिए क्या है कि ठंड के दिनों में हमारी कंट्री में इजिप्शियन वल्चर आते हैं, ठीक है, इजिप्ट से
इजिप्ट कंट्री से कुछ वल्चर हैं जो हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में आते हैं विंटर सीजन में, तो उनमें एक इन्फेक्शन मिला इकोलाई का। इकोलाई एक पैथोजन होता है, तो उसका इन्फेक्शन इनकी बॉडी में मिला, उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक दिए गए। इत्तेफाक की बात यह है कि जब ये एंटीबायोटिक दिए गए तो उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, उनकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका था। अब क्या है, जो बल्चर है वो कई सारी चीज़ें खाते रहते हैं, गार्बेज खाते हैं, कैराकेस है ना, जो मरे हुए जानवर हैं, डोमेस्टिक एनिमल हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो आपके ये बल्चर लोग खा जाते हैं। अब उनकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, तो इधर से दो मुद्दे निकल के आते हैं कि एक तो इकोलाई जो पैथोजन है तो ये इकोलाई होता क्या है, और दूसरा एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस क्या है। देखिए हैं तो ये सब फर्जी बातें, कहने का मतलब ये है, यूपीएससी क्वेश्चन उठा लेती है कि बल्चर डाइक्लोफेनिक के कारण मर रहे थे अभी, है ना, तो वो 2013-14 में यूपीएससी क्वेश्चन बना के ले आई कि बल्चर की डेथ क्यों हो रही है, डाइक्लोफेनिक के कारण हो रही है। तो इधर पे अब बल्चर को कुछ भी होगा तो ये हम बच्चों का सरदर्द बन जाता है कि इसको इकोलाई के कारण समस्या हो रही है, तो हमको इकोलाई भी डील करना पड़ेगा। चलिए इकोलाई के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इकोलाई क्या रहता है, हमारी जो इंटेस्टाइन रहती है उसमें नॉर्मली ये पाया जाता है ना, एक बैक्टीरिया होता है जो नॉर्मली हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, लेकिन कुछ जो इकोलाई हैं वो पैथोजन की तरह वर्क करने लगते हैं, उन कुछ इकोलाई से समस्याएं होने लगती हैं, है ना, वो पैथोजेनिक वर्क करने लगते हैं, उससे इलनेस हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, और भी इंटेस्टाइनल जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये जो इकोलाई है, समझ में आ गया, मैं फिर से बोलता हूँ, इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है, नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है इंटेस्टाइन में, ठीक है, लेकिन कुछ इकोलाई पैथोजेनिक वर्क करने लगते हैं, इन्फेक्शन की तरह काम करने लगते हैं, और इससे बॉडी में है ना दस्त वगैरह लग जाते हैं। अब ये जो इकोलाई है ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, इन्फेक्शन इसका कैसे हो जाता है, तो देखिए इसका जो कंटेमिनेशन है इकोलाई है, अब किसी को दस्त लग रहा है और वो इकोलाई पैथोजन की तरह वर्क कर रहा है, तो ये जो इकोलाई है वो फूड वाटर कॉन्टैक्ट में जो लोग आएंगे, जो डायरिया में जो फीकल मटेरियल निकलेगा उसमें किसी भी तरीके से यदि वो फूड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इन्फेक्शन हो सकता है। यदि कोई आदमी जो फीकल मैटर है बहुत जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसके मिनिस्क्यूल है ना, बहुत छोटे से पार्टिकल जो कि बिल्कुल इनविजिबल होते हैं, आप यदि वो आपकी बॉडी में किसी भी फूड के माध्यम से पहुंच जाते हैं कि आपने कोई भी रॉ मटेरियल खा लिया, कच्चा दूध पी लिया, है ना, सॉफ्ट चीज़ का यूज़ कर लिया, या आप डाइपर को बदल रहे हैं और आपने सही से हाथ नहीं धोए हैं और खाना बना डाला, तो ऐसे तरीके से ये इकोलाई का ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिए ये सारी गंदी और अच्छी बातें जो भी हैं मैं डील नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बात की कि क्वेश्चन पूछ सकती है, पर्टिकुलर इकोलाई के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी के में, इसलिए हमने ये बात की। थोड़ी सी बात हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में भी कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक होते हैं हमारी बॉडी में, कोई भी जो इन्फेक्शन होता है उसको किल करने के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं, वो कहलाते हैं आपके एंटीबायोटिक। अब जो एंटीबायोटिक हैं यदि आप उनको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो तो बॉडी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रिस्पॉन्स शो नहीं करती है। आप सेम टाइप का एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो बॉडी रिएक्ट नहीं करती है उस एंटीबायोटिक के लिए। कई सारे लोगों को देखा होगा कुछ भी हो रहा है वो सेल्फ डॉक्टर बन जाते हैं आजकल के आदमी के, खुद से ही उठा उठा के एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जो बॉडी रहती है वो एंटीबायोटिक के लिए रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो ये कहलाता है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब इसकी वजह देख लेते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप बहुत फ्रिक्वेंटली किसी को एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो हो सकता है उसकी बॉडी उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो जाए। कुछ पेशेंट रहते हैं वो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट फिनिश नहीं करते हैं, तो ऐसे में वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है उसकी बॉडी में। जो लाइव स्टॉक हैं या जो फिश फार्मिंग है उसमें भी एंटीबायोटिक का आजकल यूज़ होने लगा है, तो इससे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। हॉस्पिटल क्लिनिक में जो इन्फेक्शन है उसका कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। हाइजीन और आप पुअर सैनिटेशन है आपके पास तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। और कुछ जो नए एंटीबायोटिक डेवलप कर लिए गए हैं लेकिन अभी उनका यूज़ नहीं हो रहा है, तो इससे भी जो ऑलरेडी आप एंटीबायोटिक रेगुलर चला रहे हो, सेम टाइप के एंटीबायोटिक बार बार रिपीट तौर पर दे रहे हो, तो बॉडी उसके लिए भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर सकती है। फिर आगे यही बात की गई है कि ये जो एंटीबायोटिक हैं इनका इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं होना चाहिए, अंधाधुंध इनका यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हर साल
लाखों लोगों की, थाउजेंड लोगों की डेथ हो रही है ना। तो ये था हमारा ईकोलाई के बारे में हमने बात की और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात की। ध्यान रखिएगा, ईकोलाई पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और तीसरी बात, इजिपियन बल्चर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ थिएटर ओलंपिक के बारे में है। तो ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल पहली बार इंडिया में हो रहा है। ये इसका 8वां एडिशन है और ये इसको राजस्थान होस्ट कर रहा है, जयपुर में ये होने वाला है। अब ये जो थिएटर फेस्टिवल होता है, थिएटर ओलंपिक हो रहा है, इसमें क्या है कि ये 17 फरवरी से 8 अप्रैल के बीच में होगा, और जो थिएटर से जुड़े हुए वेरियस आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर, एक्टर, डिज़ाइनर, थिएटर ग्रुप, ड्रामा इंस्टीट्यूट, ये सबके सब इसमें शोकेस करेंगे, अपना परफॉर्मेंस पेश करेंगे। अब ये जो थिएटर ओलंपिक है, जयपुर में हो रहा है, पहली बार इंडिया में हो रहा है, और इसमें कौन कौन कोलैबोरेट कर रहा है, तो हमारा जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है, वो इसमें कोलैबोरेट करेगा। दूसरा, रविंद्र मंच सोसाइटी। तीसरा, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, है ना। तो हमारे आर्ट एंड कल्चर जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उसका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दूसरा रविंद्र मंच सोसाइटी, और तीसरी राजस्थान गवर्नमेंट के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, ये सब के सब लोग मिलके लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर जो फेस्टिवल है, उसका जो 8वां थिएटर ओलंपिक है जो कि जयपुर में हो रहा है, उसको होस्ट करने वाले हैं। और मैंने बताया कि जो वेरियस स्टेक होल्डर होते हैं थिएटर परफॉर्मेंस देने वाले, जिसमें आपके डायरेक्टर और मैंने सारी बातें की, वो सबके सब लोग इसमें आ जाएंगे। सबसे पहली बार जो थिएटर ओलंपिक हुआ था वो 1993 में ग्रीस में हुआ था, डेल्फी एक जगह है ग्रीस कंट्री में, तो वहाँ पर ये थिएटर ओलंपिक 1993 में पहली बार हुआ था। और इस जो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल जो होता है, तो मैंने बताया कि इसमें जो थिएटर प्रैक्टिशनर रहते हैं, जो थिएटर को परफॉर्म करते हैं, वो बंदे सबके सब एक साथ आ जाते हैं, और फिर वो सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उनके अचीवमेंट गिनाए जाते हैं, उनके परफॉर्मेंस दिए जाते हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड से इधर पे लोग आते हैं। तो ये था हमारा थिएटर ओलंपिक के बारे में, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डिस्कशन, चलिए देख लेते हैं शुरू से आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने लक्ष्य स्कीम के बारे में बात की, मैंने बताया था कि ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम था, और मैंने बताया था कि जो MMR है, मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मतलब जो मदर की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई थी। और हमने बताया था कि जो लेबर रूम थे, ऑपरेशन थिएटर थे, उन सब में इक्विप्ड, मतलब वहाँ पे सुविधाएं बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए इस स्कीम में बात की गई थी, और कई सारे गाइडलाइंस सेट किए गए थे, और मॉनिटरी बेनिफिट की भी बात की गई थी। इसके बाद फिर हमने आगे बात की थी NBCC के बारे में, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के बारे में। तो हमने बताया था कि ये एक गवर्नमेंट की नवरत्न एंटरप्राइज है, एक ब्लू चिप कंपनी है, और ये गवर्नमेंट के लिए पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, मतलब गवर्नमेंट इसको कंस्ट्रक्शन का जो भी काम देती है, तो ये उसके इम्प्लीमेंटेशन में मदद करती है। और कंटेक्स्ट में हमने बात की थी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा जो भी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती है, तो ED ने रिकमेंड किया है कि अब ये बॉडी उन प्रॉपर्टी की देखरेख करेगी। इसके बाद फिर हमने आगे बात की थी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट। हमने बताया था कि 2005 में जो एक एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, तो उसके तहत ये बॉडी बनाई गई थी, और ये सिचुएटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ WCD के तहत आती है, और जो बच्चों से जुड़े हुए जो भी राइट्स हैं, UN कन्वेंशन में जो भी बात की गई थी, वो सारा काम ये बॉडी देखती है। इसके बाद फिर हमने आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात की थी। हमने बताया था कि इसमें इंडिया की 133वीं रैंक आई है, और 2014 के बाद हम सबसे नीचे जा रहे हैं इस रैंक में, मतलब हमारा परफॉर्मेंस सुधर नहीं रहा है, हम डे बाई डे नीचे जा रहे हैं, और सार्क कंट्रीज़ में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेकार है। इसमें हमने एक बात की थी कि ये पब्लिश कौन करता है, तो बताइए, मैंने बोला था SDSN का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, है ना, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, उसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। फिर इसके बाद हमने आगे आपका ईकोलाई के बारे में बात की थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। ईकोलाई एक हमारी बॉडी रहती है, उसमें एक बैक्टीरिया होता है, और कभी कभी फिर ये पैथोजन की तरह वर्क करने लगता है, किस तरीके से ये बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, हमने ये भी बात की थी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी कि फ्रिक्वेंट एंटीबायोटिक का यूज़ करने पे, है ना, इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ करने पे बॉडी में एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो जाता है, और फिर वो एंटीबायोटिक उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए काम करना बंद कर देता है। और फिर सबसे हमने लास्ट में बात की थी थिएटर ओलंपिक की, हमने बताया था
कि पहली बार जो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है वो इंडिया में हो रहा है, और इंडिया में जयपुर सिटी में ये होने वाला है। और हमने बताया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इसके बाद NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था आपका, रविंद्र मंच था, और राजस्थान का जो कल्चर मिनिस्ट्री थी, डिपार्टमेंट था, वो सब लोग इसे मिलके आ रहे थे। और हमने बताया था कि थिएटर से जुड़े हुए जो भी बंदे रहते हैं, जो वेरियस स्टेक होल्डर रहते हैं, वो सब इसमें परफॉर्म करते हैं। डायरेक्टर हो गया, एक्टर हो गया, डिज़ाइनर हो गया, है ना। तो ये था हमारा थिएटर ओलंपिक के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। आज थोड़ी कम न्यूज़ थी इम्पोर्टेंट, तो हमने उतनी ही डिस्कस की है। आज के डिस्कशन के लिए बस इतना ही, कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।